अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके साथ जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने वीडियो के थंबनेल में और वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं भी एक कश्मीर यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और पिछले 2018 से वहीं हूँ, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। वो तो मैं सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं डिस्कस करूँगा, बट आज जो जो इशू चल रहा है रिगार्डिंग एग्ज़ाम, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक में मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करूँगा और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी वो चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट एसोसिएशन बनी है या सीआर एसोसिएशन बनी है या स्टूडेंट यूनियन बनी है, तो मैं वो आपके सामने शेयर करूँगा। आफ्टर डेट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और बात को पूरा समझेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल मीडिया की वसादत से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अथॉरिटी तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम बैच 2018 के स्टूडेंट्स हैं। हमने सितंबर अक्टूबर 2018 में एडमिशन लिया था, तो हमारा जो पहला सेमेस्टर था वो जून 2019 में मुकम्मल हुआ। तो उसके बाद हमने सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट किए थे। हमने कुछ ही क्लासेस दिए थे तो आर्टिकल 370 का मसला सामने आ गया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बहुत महीनों तक बंद रही। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी रीओपन हुई तो हमने कुछ ही सिलेबस मुकम्मल किया था। कुछ सब्जेक्ट्स में 40%, कुछ में 50%, कुछ में 45% मुकम्मल किया था, तो कोविड-19 का मसला आ गया, तो उसकी वजह से हम आज घर पे बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सितंबर अक्टूबर 2018 से लेकर आज 18th of May 2020 तक बिल्कुल 1 साल और 10 महीने बिल्कुल मुकम्मल होते हैं, यानि 2 साल बिल्कुल मुकम्मल होने को है, अभी भी हमने सिर्फ एक सेमेस्टर दिया है। मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि जो डिग्री 2 साल में मुकम्मल होनी चाहिए थी, अभी हमने खाली एक सेमेस्टर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनका वीडियो कट करूं और अपनी बात शुरू करूं, लेकिन ऐसे अभी बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे जो आप देख भी रहे होंगे कि ये ओपन मैसेज जो हैं या मास प्रमोशन या बायकॉट एग्जामिनेशन, ये सारे जो पोस्ट आप देख रहे होंगे, मैं आगे थोड़ा डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि आप इनको अच्छे से समझेंगे, और इनके इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा इंशाल्लाह रहमान, बाकी आप इनको देखें। ये जो आपके सामने मैं पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये पोस्ट शेयर करने का मकसद ये है कि आपको एक अथेंटिक सिटी मिल जाए। भाई हमारा मसला बहुत ऊंचे तक पहुंच चुका है। ये जो UGC ने रिकमेंड किया है वो आपके सामने, ये पूरा PDF है 6-7 पेज का, और ये मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट किए हैं जो रिगार्डिंग है कि आप कैसे इस सेमेस्टर को मास प्रमोशन कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग है। आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी ये एक और पोस्ट है जो हिंदुस्तान टाइम ने हमारी न्यूज़ हाईलाइट की, हमारा इशू हाईलाइट किया है, तो आई होप आप इसको भी देख लेंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी अच्छे से देख के इसको भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी आपके साथ जो और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि एक और ये पोस्ट है कि ये एक पेज पे किसी ने लिखा है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये भी आपको हमारा इशू हमारा हाल सारा बयां कर देगा। ये जो एक और पोस्ट है आपके सामने, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और बहुत ही अच्छा लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप सो आप इसको देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और आगे दूसरों तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को भी और इस पोस्ट को भी। बाकी आपके साथ एक और पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ जो JK लाइव्स की तरफ है, नो इंटरनेट नो इंटरनल असाइनमेंट, ऐसा है, आप देख लें इस पोस्ट को भी, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक और पोस्ट है मास प्रमोशन की रिगार्डिंग, ये मैंने जमा किए हैं सारे पोस्ट ताकि हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सही सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हम अपना इशू अच्छे से हाईलाइट कर सकें।
आई होप सो कि आपने सारा सारा वीडियो अच्छे से सुना होगा, और ये सारे पोस्ट जो हैं इन सब पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पोस्ट शेयर करने का मकसद क्या था? ये पोस्ट शेयर करने का मकसद ये था कि हम अपने इशू से कम्प्लीटली इनलाइट हो सकें कि हमारी कितनी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए आपसे सब पोस्ट शेयर किए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन के शिकार हैं, इसलिए आपसे ये मैंने शेयर किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप और आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और बाकी स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस इशू से पूरे प्रॉपरली इनलाइट हो सके। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फर्दर भी कुछ ऐसे इशू लाऊंगा, जैसे कि फ़ी स्ट्रक्चर का इशू है, क्योंकि फ़ी तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और आप भी अगर आपको कोई सजेशन वगैरह होगा आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनली अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मैं अपना मेल दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा जो वीडियो आए वो आप तक पहुँचे, और लाइक और शेयर भी कर दें। बाकी वसलम, थैंक यू सो मच।